ये वीडियो पूरी देखो। औरतें अजान से पहले अव्वल वक्त में ही नमाज अदा कर लेती हैं, इसका क्या हुक्म है? तो देखिए, नमाज के लिए वक्त शुरू होना नमाज की शराइत यानी कंडीशंस में शामिल है। ख्वातीन के लिए अजान तक रुकना ज़रूरी नहीं, बल्कि वो अव्वल वक्त में नमाज अदा कर सकती हैं, क्योंकि नमाज के लिए वक्त की शर्त है। जैसे कि कुरान में आता है कि यकीनन मोमिनों पर नमाज वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ की गई है। देखिए, अगर औरतों के लिए मस्जिद में अलग थलग इंतज़ाम है तब फिर वो अजान का वेट करेंगी, बट अगर वो घरों में मौजूद हैं तब ख्वातीन अव्वल वक्त में नमाज अदा कर सकती हैं, मगर मर्दों के लिए तो जमात से नमाज है। इसलिए औरतें चाहें तो अव्वल वक्त में नमाज अदा कर लें, भले अजान से पहले या अजान होने के फौरन बाद नमाज अदा कर सकती हैं, बट अगर अजानें हो रही हैं तो बेहतर है कि आप अजान सुनें, उसका जवाब दें, फिर उसके बाद नमाज अदा करें। देखिए, अगर अव्वल वक्त में आप नमाज अदा करना चाहती हैं, कैलेंडर वगैरह पर अक्सर नमाजों का वक्त लिखा होता है। मसलन कैलेंडर में जहर का वक्त लिखा है 12:40, बट अजान होती है 1 बजे, तो औरतें अव्वल वक्त यानी अजान से पहले 12:40 पर जहर की नमाज़ अदा कर सकती हैं। देखिए, ये रूल औरतों के लिए बताया जा रहा है जो उमूमन घरों में होती हैं, बट मर्दों के लिए तो बाकायदा अजान के बाद जब जमात से नमाज होती है तभी अदा करना है। रहा औरतों का अजान से पहले अव्वल वक्त में नमाज अदा करने का मसला, तो देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट इंशाअल्लाह।